साथ हम आपके अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। जी हाँ, 50 प्रश्न की जो सीरीज है काफी महत्वपूर्ण है और फटाफट अंदाज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी प्रश्न में जुड़िएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए कॉपी कलम के साथ। जो जरूरी लगे, जो महत्वपूर्ण लगे, उनकी स्क्रीनशॉट अपने पास करते चलेगा, बाकी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाते रहिएगा। इस सीरीज को फटाफट अंदाज में पढ़ेंगे ताकि आपके कम समय में ज्यादा और बेहतर तैयारी कर सके। आपकी तैयारी कितनी है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक सवाल है, लिखित में कौन अवध का अंतिम नवाब था? सादक खां, वाजिद अली शाह, सुजाजुद्दौला, मशहूर खां। ये इतिहास का सवाल है और आदमी बात इतिहास की सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा सभी प्रश्नों के। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो वाजिद अली शाह होगा। अगर आपने सवाल का उत्तर भी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, क्योंकि ये प्रश्न की सीरीज जो है ये फेसबुक और यूट्यूब पर मेरे द्वारा निःशुल्क आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में लाइव चल रहा है। अगला है आपके सामने, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। कराची अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, ये सब आपको इलानी में दुर्गेश के नोट्स मिल जाएगा। अपने इलानी में दुर्गेश के नोट्स पढ़े होंगे तो आपको सारे प्रश्न के जवाब स्टेप बाय स्टेप क्रम से मिलते जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी को और बड़ा और बेहतर भी कर सके। तो सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा और वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करते रहिएगा। जी हाँ, फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लाइव है, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, मैं भी वीडियो को शेयर करता हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाते रहिए। जी हाँ, यहाँ पर अगर प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न का उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन। जी हाँ, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस ने रखा था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, जो आपके सामने है। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वासरा लॉर्ड मिंडो से मिला? मेरा सवाल है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, किसके समय हुई थी? इस प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत खां, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, अगर इस प्रश्नों की बात करें तो आप इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए, जवाब दीजिए। आगा खां, मैंने बंगाल विभाजन घोषणा के बाद मुसलमानों, मैंने आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस योजना को विक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक, मतलब ये आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। माउंटबेटन योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इसमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, एकदम सही जवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है आपके सामने, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? आपको ये पता है, पत्र, पत्रिका और मैगजीन, पुस्तकें, ये सब आपके सिलेबस में, और ये भी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये जीएसजी के विविध का सीरीज, जो मॉडर्न पेपर की सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो मार्स में फिरोज शाह मेहता है, के एम पड़ियक्कर है, बाल शास्त्री जामेकर होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से इसके नए सवाल की तरफ। देखिए, अगर आपको पता, ठीक है, नहीं पता तो प्रश्नों के स्क्रीनशॉट अपने पास रखते चलिए, क्योंकि सीरीज आपके लिए काफी अहम है। हमने यहाँ पे जो प्रश्न बैंक है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम 30 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यह आप लेने भी दुर्गेश के जो नोट्स है उसमें आप पढ़ सकते हैं। छंडोग उपनिषद, जाबालोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, कंठोपनिषद है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो छंदोग उपनिषद जो होगा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया, चौथा उपनिषद, मतलब इसके बाद की जो उपनिषद है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, कमेंट कर बताइएगा। जो 3 आश्रम है, 3 आश्रम, तो प्रथम 3 आश्रम, चौथे आश्रम का उल्लेख कहाँ मिलता है, कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीएस की महत्वपूर्णता आप जानते हैं, कितना भी पढ़ते जाइए वो एक तरह से गागारे भरने वाला नहीं है और आपको डेली क्लास में टाइम से टाइम तक के लिए बने रहना होगा। तो जवाब दीजिए फटाफट प्रश्न का, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो, चौहानदड़ो, धौलावीरा और राखीगढ़ी, सबके जवाब आने चाहिए इस वीडियो के में, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, इस प्रश्न का उत्तर होगा राखी घड़ी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया, राखी घड़ी, इसके जवाब पूरी तरह से क्या है, आपके सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल क्या था? राखी घड़ी था। अगला आपके सामने, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? मैक्स मुलर,
गंगानाथ झा, दयानंद सरस्वती, संपूर्णानंद। तो सभी साथी फटाफट अंदाज में जाएंगे और इस प्रश्न के सभी लोग जवाब देंगे और इस प्रश्न को अपने साथी मित्रों तक भी पहुंचाते रहेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मैं आपसे बार बार कहता जा रहा हूँ, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज बहुत अहम है। यहाँ से परीक्षा में सवाल खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं और हम चाहते हैं जो चीजें आपको पता झोला भर भर के आते फिर जवाब दीजिए ना। अगर नहीं पता है तो इन प्रश्नों की स्क्रीन शॉट अपने पास रखते चलिए, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षाओं में खूब सारे सवाल आते हैं। जी हाँ, अगर बात करें आर्यों के मूल निवास संबंध में, किस विद्वान का मत था इनका मूल निवास तिब्बत था? प्रश्न नंबर 8 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, दयानंद सरस्वती जी का। जी हाँ, दयानंद सरस्वती जी का। इनके कोटेशन जो है ना आपके परीक्षाओं में खूब झोला भर भर के पूछे जाते हैं, इनके कोटेशन को भी आप लोग को याद करना है, इनके कोटेशन को भी आपको तैयार करके रखना है। चलिए हम और आगे चलते हैं, इसी के साथ इस नए सेशन की तरफ भी बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, किस धर्म का मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं? माने किस धर्म में ये कहा गया है, किस धर्म का ये मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? सभी साथी इस प्रश्न का जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे, वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा। जी हाँ, एकदम से जवाब दिया, जैन, बौद्ध और शौधन, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे और फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। जी हाँ, बौद्ध धर्म, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, बी। मतलब जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, वीडियो को शेयर करते रहिए, लोगों से पूछाते रहिए। अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा, माने अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है, सभी लोग जवाब देंगे। मास्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, ब्राह्मो अभिलेख, अभिलेख, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे, जितने भी साथी इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं जवाब दीजिए, गलत ऐसे ही सभी लोग जवाब दीजिए। जी हाँ, भाबुर अभिलेख, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो सही है। ये सब इतिहास के प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके सामने, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में, माने दशावतार जो मंदिर है इसका निर्माण किस काल में हुआ, गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, कुषाण काल, किसके समय हुआ है? सभी साथी जवाब देंगे प्रश्न नंबर 11 का, जवाब दीजिए सभी लोग। जी हाँ, ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। प्रश्नों के स्क्रीनशॉट करते चलिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, प्रसिद्ध शासक अमोघवंश द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, इसको रटिए, इसकी स्क्रीनशॉट रखिए, इन प्रश्नों को पढ़िए और ये खुद को देखिए किस मॉडल पेपर की सीरीज में कितना अभी तक आप तैयार हो पाए हैं, बताइए, जवाब दीजिए। जी हाँ, भाषा की अगर हम बात करें तो कन्नड़ है। अगला है आपके सामने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, मोस्ट आईएमपी है, दिल्ली के किस सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन अल्तुतमिश, जवाब दीजिए सभी लोग, फटाफट जवाब दीजिए। अल्तुतमिश, मतलब सवाल का उत्तर हो गया आपका डी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर रखिएगा सभी लोग, ताकि इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको मिल जाए टेलीग्राम पर, जवाब भी देते रहिए फटाफट अंदाज में। किस महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत दिया, अभी तक हम लोगों ने इतिहास पढ़ लिया, अब यहाँ से भूगोल के सवाल है, अब देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से कितना स्कोर कर पा रहा है, अपने आप को विषय के हिसाब से भी आंक सकते हैं कितने पानी में है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सी पार्कर, अल्फ्रेड वैगनर, हैरी हेस है, एस वाई मैकेंजी है, तो बताइएगा। अच्छा, हैरी हेस का संबंध किससे, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, वैसे अल्फ्रेड वैगनर होगा, कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वैगनर जी ने दिया था, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, नोट्स संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर आप लोग जानकारी ले सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, प्रश्न नंबर 15 का जवाब सभी लोग दीजिएगा, 3, 5, 6, 4, सभी साथी जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा। बताइए फटाफट कमेंट करके, माना है हमारा भारत है और आपको यही बताना है। जी हाँ, 4 एकदम सही जवाब, कौन कौन से कमेंट कर बताइएगा, कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग फटाफट। सभी को नमस्ते, राधे राधे।
अगला सवाल है, ज्वार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्वार घाटी से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके। जी अगर ज्वार घाटी की बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड आपका सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो आपका जवाब सही है। हम बढ़ रहे हैं सवाल की तरफ, किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? हिमालय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, ए और बी दोनों। सत्र का जवाब सभी साथी दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए किस नदी की जल ग्रहण क्षमता, अगर हम बात करें दो प्रकार की नदी होती है, हिमालय नदियां, इनकी लंबाई ज्यादा होती है, इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां क्या, उनकी प्रायः लंबाई छोटी होती है, इसमें जल ग्रहण क्षमता कम होती है, ये प्रायः जलप्रपातों का निर्माण ज्यादा करते हैं, इनकी दूरी भी कम होती है। तो अगर जल ग्रहण कम क्षमता जो होती है प्रायद्वीपीय नदियों की होती है, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगर आपने भी सवाल का उत्तर बी बताया तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं। देखिए नोट संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे नोट संबंधी सभी जानकारी आपको दी गई है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारे सभी नोट्स घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला भाग में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में होता है? ईंट निर्माण में होता है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिट्टी से सवाल आपकी परीक्षा में आता है, ये भारत के भूगोल का सवाल है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे कि भैया कितना हद तक आप सही बता रहे हैं और कितना हद तक इस प्रश्नों के उत्तर भी सही है। सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करके, एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया इस प्रश्न का उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है लेटराइट मिट्टी तो आपका जवाब सही है, मतलब जितने साथी मित्रों ने इस प्रश्न का जवाब सी दिया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही है, मतलब सभी लोगों ने यहाँ पर सी बताया है उनके जवाब सही। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। कौन से खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? नहीं वाले प्रश्न खूब ट्रेंडिंग आते हैं, आपको रबी का भी याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि रबी से भी पूछा जाता है। जायद की फसल कब, मतलब इन फसलों के बारे में भी आपको जाना, क्योंकि आपको पता है फसल से भी एक सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जब सवाल ये इंपॉर्टेंट सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले विषय है, बाजरा है, ज्वार है, अरहर, सरसों, सभी साथी फटाफट अंदाज में जाएंगे, प्रश्नों के जवाब भी देते रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट उतना आपके लिए भी, क्योंकि तैयारी आपको भी करनी है, सिलेक्शन आपको लेना है, नौकरी आपको करनी है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा, देखिए खरीफ फसल बाजरा, ज्वार, अरहर, सरसों नहीं है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से सही, मैंने जो गलत है वही हमारा यहाँ पे सही है, कि आपके कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़े। ठीक, अगला है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आता है। अगर ये मैं पूछूं तो यह एक तरह से कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सीरीज है, ये अर्थव्यवस्था का सवाल है, ये अर्थव्यवस्था में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर प्रश्न नंबर 20 की बात करें जवाब दीजिए सभी लोग, 1964, 74, 75, 84, तो यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1975, 1975, सी इस प्रश्न का सही जवाब। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम कुंची आयोग का गठन कब किया गया था? यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, नोट्स पूरा एक बार कंप्लीट कर लीजिए, आपको सारे प्रश्न आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में भी नोट्स उपलब्ध है। अगर प्रश्न नंबर 21 जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में, वीडियो को शेयर करिए, प्रतिदिन क्लास में एकदम टाइम से जुड़िएगा। जी अगर प्रश्न नंबर 21 की बात करिए तो यहाँ पर होगा 2007, ये पूछा था केंद्र राज का संबंध, एक प्रश्न यही प्रश्न में ही है कि एम पुंछी आयोग जो है वो केंद्र राज के संबंध से है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसका संबंध से कौन है, जैसे सरकारी आयोग का संबंध किससे है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा सरकारी आयोग का संबंध किससे है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी जवाब देंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? यह भी मैंने पढ़ाया है, यह भी लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में, संविधान के भी सवाल है, मैंने बताया कि जिस तरह सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी क्रम में सवाल यहाँ पर है, जवाब दीजिए सभी लोग, 153, 155, 156, 160, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 155, ये हमने पढ़ाया एकदम, जब पढ़ाते थे मैंने अनुच्छेद को विशेष रूप से बताया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता, बैठक बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति,
किस अनुच्छेद के तहत? 108। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। मतलब अगर आप इस प्रश्न का उत्तर बी बताए हैं तो आपके जवाब पूरी तरह से सही। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? किसी कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो तो पूछते चलिए, भले वीडियो बना शेयर करें लेकिन जवाब जरूर देते चलिएगा। संसद के सत्र आरंभ के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदन द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? यह भी मैंने पढ़ाया है, यह भी मेरे आपके नोट्स में लर्निंग विद दुर्गेश का होगा, आपने पढ़ा होगा। संसद के सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123। 123 राज्यपाल किस अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट करके। 6 सप्ताह, 6 माह नहीं होगा, गलत है, 6 सप्ताह सही है। बी यहां पे सही जवाब है, गलती मत करिएगा परीक्षा के अंदर। भारतीय संविधान संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से किस भाग को अडॉप्ट किया गया, यह भी मैंने पढ़ाया, यह भी सब इलानी विद दुर्गेश के नोट्स में है, उसको भी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी ऑस्ट्रेलिया बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही और सत्य है। 25 संसदीय विशेषाधिकार जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्ग आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया था? 26 का सभी लोग जवाब देंगे, भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1872, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसे किस नाम से जानते हैं? मंटेगी चिंस्पोर्ट सुधार किसे कहा जाता है और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, माने भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत आरक्षित और हस्तांतरित में 2 प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। किस अस्तम शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सूर्य स्तंभ, विजय स्तंभ, लौह स्तंभ, इलाहाबाद का स्तंभ। ये टॉप वो 50 प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फटाफट अंदाजा जवाब दीजिएगा, टॉप 50 प्रश्न है जो आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बताइए सभी लोग जवाब दीजिए, गलत ऐसे सभी का जवाब आना चाहिए। इलाहाबाद। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इसमें से कोई नहीं। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, तो इस तरह से अगर आपको प्रस्तावना याद होगा आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से कर लेंगे। एक सार्वभौम समाजवादी धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा सी। तो थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे, अगर नोट्स पढ़ लेंगे या किताबें पढ़ लेंगे तो इस प्रश्नों के जवाब बहुत आसानी से सही तरीके से देते हुए आगे बढ़ेंगे आप। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। यहाँ पे देखिए नोट संबंधी जानकारी अगर आपको चाहिए, पीसीएस क्या, केबीएस हुआ, लेखपाल हुआ, पुलिस हुआ, सुपर टेट, यहाँ पे टेट हुआ, चाहे सीटेट हुआ, इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वीडियो एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम हुआ, सभी नोट जो भी होंगे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से। अगला है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं, मूल अधिकार कौन सा नहीं? बहुत आसान है, बहुत बार पूछा सवाल है, नहीं है अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। मैं बार बार कहता हूं नहीं है, खूब ध्यान से पढ़ा करिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये भी है, शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार ये भी है, देश में आजादी के साथ आने का अधिकार, आने जाने का अधिकार ये भी है। ये सब लगभग 19 में ही है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जी नहीं, ये क्या है? ये भाग 4 में, ये भाग 4 जो नीति शिक्षक सिद्धांत उसके अंतर्गत आता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी, माने जो गलत है वही हमारा सही है। ठीक है, अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संवैधानिक किस भाग में? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब दीजिएगा। भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, इन सभी भाग मैंने पढ़ाया है। अगर आपने डेली क्लास पढ़ा होगा या नोट्स पढ़ा होगा उसमें पूरा विधिवत रूप से बताया गया है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि अनुच्छेद कौन सा है? 148, भाग होगा भाग 5, भाग क्या होगा? भाग 5।
ठीक है, नियंत्रक मालिका परीक्षक के अंदर का हिस्सा, इसलिए भाग पांच के अंतर्गत याद रखा। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, जितना आप लोग पढ़ रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं। अगला है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। 1955 में। अगला है, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों संघ समवर्ती और राजसूची, ये तीनों जो है ये सातवीं सूची के अंतर्गत आता है। ये तीनों जो विषय हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची, राजसूची, समवर्ती। तो 35 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र पे समवर्ती सूची, माने सी वालों के जवाब यहां पर सही, ठीक है। अगर आपने स्पष्ट का उत्तर सी बताया तो आपके जवाब सही। अगला, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? नहीं वाला खूब पूछा जाता है, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, यशोधरा। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। एकदम हलवा सवाल है, एकदम हलवा है। रंगभूमि, गोदान, निर्मला, यशोधरा उनकी पुस्तक नहीं, किसकी पुस्तक, कमेंट करके जवाब दीजिए। यशोधरा किसकी रचना है, यशोधरा किसकी रचना है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार, बांसुरी, बेड़ा, सरोद। 34 जवाब दीजिएगा सभी लोग, सरोद से। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? जवाब सभी लोग दीजिएगा, ईरान का है, जापान का है, बेल्जियम का है, बी और सी। जापान और बेल्जियम, माने डी, बी और सी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहां है? जवाब दीजिए फटाफट, भोपाल, डी। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, तैयार हैं आप लोग ना? स्क्रीनशॉट कर सकते हो, इसी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया? 1986, 1988, 2001, 2003। 2003। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? पहली बार 14 था और दूसरा 6, तो ये किस पंचवर्षीय योजना में था, ये किस पंचवर्षीय योजना में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपके परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। डेली क्लास के लिए सभी लोग टेलीग्राम पर बने रहेंगे, सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस के, इलर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन करके रखेंगे। सभी जवाब दीजिएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। मेरा सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह भी इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। ये जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था के सवाल है। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? केसी नियोगी, पीवी महानुगोलिश, एलके झा, के संथानम। 39 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बताइए कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों के प्रश्न बैंक है। केसी नियोगी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला, कौन सा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? बताइए प्रश्न नंबर 40 का जवाब, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, मतलब वाला देश। अगला है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ग्रोशन का नियम है, ग्रेसम का नियम है, शे का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट, अंदाज में जवाब दीजिए, वीडियो को फटाफट करके 50 प्रश्न जल्दी से खत्म हो जाएगा। ग्रेसम का नियम है, अर्थात सवाल का उत्तर क्या होगा आपका, बी होगा। अगला है, कौन से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं आप लोग। मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? इसको कहते हैं CH4, ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये है CO, ये CFC। अब आपको जवाब देना है इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, प्रश्न नंबर 42 का। हाँ, आपका जवाब नहीं देंगे इस बार, बताइए फटाफट कमेंट करके। ये है, ये है, ये है, लेकिन ये आपका नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, CO, ठीक है, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है।
हम आगे चलते अगले सवाल की तरफ। कौन सा दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? हिमचिता, बाघ, कस्तूरी मृग, लंगूर। ये एनवायरमेंट पढ़ रहा है, आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये परीक्षा वाले सवाल है, पूरी पूरी जवाब दीजिए फटाफट। दुर्लभ प्रजाति में हिमचिता है ए। प्रश्न को भी देख के बता सकते हैं। कोणी संवेग को बीमा निम्नलिखित में से क्या है? ML स्क्वायर टी वाले बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे जवाब सभी लोग दीजिएगा। कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? कौन सा एक सदिश राशि नहीं? जवाब सभी लोग दीजिएगा फटाफट, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, बलागुण है, बल है, विद्युत धारिता नहीं है। विज्ञान के सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान है ये। अगला देखिए, नोट संबंधित कोई जानकारी जिस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। सभी नोट्स के बारे में यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, ये नंबर आपको सकता है काम आ जाए। ठीक है, यदि पृथ्वी का वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर भूत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ देख रहे हैं। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जो विषुवत रेखा पर भूत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जवाब फटाफट दीजिएगा। घट जाएगा। अगला, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग, ए और बी दोनों, जवाब सभी लोग दीजिएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता? विज्ञान के सवाल एनसीईआरटी है, आवृत्ति, बी। हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? पावर थ्री। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? ये तो आप लोग रटे होंगे, नोट्स में था, NaNO3। ये आज के टॉप 50 प्रश्न जो यहां पर आपके समाप्त होते हैं। अगले दिन फिर टॉप 50 प्रश्नों के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, इसी समय फटाफट अंदाजे पढ़ेंगे ताकि कम समय हम ज्यादा प्रश्नों को हल कर सके। टेलीग्राम पर आप सभी साथी जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश साथ जुड़े रहेंगे सभी साथी। और क्योंकि सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही मिलेगी। इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे सभी नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासें निःशुल्क आपके लिए देशित राष्ट्रित में चलती हैं। ये सभी क्लासें फेसबुक और यूट्यूब पर आपके लाइव चल रही हैं। अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, और इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ भी शेयर करिएगा, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर रखिएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इसके अलावा और यूट्यूब चैनल है स्टडी विद दुर्गेश सर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुपर डेट विद दुर्गेश सर, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा जवाब दीजिएगा। अमर बेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये सवाल आपके लिए है, ये फटाफट अंदाज में लोगों ने 50 प्रश्न पढ़ लिया, कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला ना, बताइए जवाब दीजिए फटाफट। सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट करें। परजीवी मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डी। तो टॉप 50 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम बहुत इंपॉर्टेंट था। ये इसी रूप से क्रम रूप से आपके साथ चलता रहेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेगा, अपने साथी मित्रों को जोड़ कर रखेगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारे का सपना पूरा करना है। ये GA/GK की 50 टॉप की मॉडल लेवल सीरीज थी, जहां पर हमने सभी विषयों के साथ निचोड़ को पढ़ा है, ताकि परीक्षा में यहां से जब भी प्रश्न आए तो गलत ना होने पाए। थैंक यू सभी का, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, कल एकदम टाइम से क्लास में जुटे रहिएगा ताकि हम लोग और अच्छे से आपकी क्लास के सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कोई सवाल पूछ लीजिएगा वीडियो